दोस्तों, अगर आप भी YouTube पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा देखना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर में लाइक डिसलाइक जरूर करा करें। दोस्तों, हमारा ये आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि ये जानना चाहते हैं कि ऐसा वालों प्यार अपने पार्टनर पति कैसा रहता है। तो अगर आप उनके प्यार के बारे में पूरा विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। और दोस्तों, हमारी आज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी आज का वीडियो कुछ पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर जरूर कर दें। और साथ ही वीडियो देखने के बाद आखिर में आप भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या आपने भी अपने पार्टनर साथ कुछ ऐसा महसूस किया या फिर ऐसा कुछ भी नहीं। तो आइए फिर ज़्यादा आपके समय को ना लेते हुए जल्दी चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, ये सच है, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वही आपका परफेक्ट जीवन साथी बनेगा, क्योंकि जब तक उसका व्यवहार, चरित्र व उसकी अहम बातें ना जान लें और साथी में उसकी बातें पसंद ना आ जाए, तब तक हम ये तय नहीं कर सकते कि वह सिर्फ हमारे लिए ही बना है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखने वाले किसी से मिलने से पहले उसके बारे में काफ़ी कुछ अंदाजा लगा लेते हैं। खैर दोस्तों, ये तो हो गई विश्वास की बात। तो अगर आप इन सभी बातों पर विश्वास करते हैं तो ही आगे का वीडियो देखें, वरना इस वीडियो को आप यहीं पर छोड़ दें। तो आइए भी चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लें, ऐसे अक्षर वाले प्यार के मामले में काफ़ी संकोची होते हैं और जल्दी ये प्यार का इजहार अपने सामने वाले से नहीं कर पाते। और प्यार की इजहार की उम्मीद इनसे ना ही की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये इनके बस की बात नहीं होती, क्योंकि ये लोग प्यार का इजहार जल्दी किसी से नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी अगर इनको किसी तरीके से प्यार हो गया तो समझ लिया हमेशा के लिए हो ही गया, और फिर ये अपने रिश्ते को बहुत ही ईमानदारी से पूरी जिंदगी भर निभाते भी हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि अपने पार्टनर सबसे ज़्यादा समझदारी को महत्व देते हैं, और जब तक इनकी ट्यूनिंग सामने वाले के साथ सही तरीके से नहीं बैठ जाती तब तक तो आप ये मान के चलिए कि इनके दिल में जल्दी जगह नहीं बन पाती। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये कहेगी कि अपने पार्टनर का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करते हैं और प्यार का जल्दी मजाक नहीं बनाते, क्योंकि इनको भी सच्चे दिल से चाहते हैं तो उनकी कुछ बुराइयों को भी नज़रअंदाज करना पसंद करते हैं। मतलब यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि मन से काफ़ी सुलझे होने के कारण प्यार के मामले में सामने वाले के साथ काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग रखते हैं। और इसके साथ ही आप ये भी मान लें कि इनकी ज़िंदगी में प्यार बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और अपने प्यार को पाने के लिए हर वो संभव कोशिश कर देते जो इन्हें सही लगता है। और अगर इनका किसी ने दिल तोड़ दे तो अपना आप खो बैठते हो। अगर कोई इनके साथ सच्चे प्यार साथ जुड़ा रहे तो ये पूरी ज़िंदगी में उसका साथ निभाने का हौसला भी रखते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी है कि अपने पार्टनर साथ तोल मोल वाला हिसाब रखते हैं। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि जितना आप इनको प्यार देंगे ये उतना ही आपको रिटर्न करेंगे, ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। कुल मिलाकर यहाँ पर भी एक लाइन में ये कहेंगे कि हर एक किसी चीज़ का बैलेंस करके चलते हैं, फिर वो चाहे चीज़ कोई भी हो। और एक खास बात आपको और बता दूँ कि बहुत ही जल्दी सामने वाली का कसर घेरे में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी जो भी इन्हें हम सफर के रूप में पाता है समझ लीजिए वो अपने आप में काफ़ी भाग्यशाली होता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उसे एक ऐसा इंसान मिल गया है जिसके पास सब कुछ है। लेकिन कभी कभी इनके साथ ऐसा भी होता है कि ये प्यार को लेकर अपनी ज़िंदगी में धोखा भी खूब खाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि ज़्यादातर लोगों में ये लोग उस वक्त के दुख को जल्दी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये कहेंगे ये दिल के मामले में भी अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेते हैं। और आखिर में बस इनके लिए बस यही कहें कि भाई आपको ये प्यार मिला है वो बहुत ही मुश्किलों के बाद मिला है, तो उसकी थोड़ी सी कद्र करें और अपने प्यार को उनके सामने थोड़ा सा कूल रखा करें। और आपको तो बस इनके साथ थोड़ी सी ट्यूनिंग मिलाने भर की देर है, और जहां आपकी इनके साथ थोड़ी सी ट्यूनिंग बनी नहीं वहीं आपकी जोड़ी भी हो जाएगी सुपर से भी ऊपर। चल चले अपने घर है मेरे हम सफर, बंद दरवाजा कर सबसे हो बेखबर, प्यार दोनों करे रात भर टूट कर, चल चले अपने घर हम सफर।